माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण करना ये अमर्यादित आचरण नहीं है। यह हर सीमा को लांघित करने वाला आचरण है। यह सदन इस समय देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को यहां सदन के नेता के रूप में देख रही है। यह सदन इस समय प्रतिपक्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उपस्थितियां देख रही है, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेता भी सदन की सदस्य हैं। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से पत्र के द्वारा अखबार के माध्यम के द्वारा एक प्रमुख अखबार नाम नहीं लेना चाहता कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है और यह चुनौती प्लीज यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। नो, मैंने सुनिए, डोंट मेक एनी शो ऑफ इट। नो, डोंट मेक इट। सुनिए प्लीज माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट, वन सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भाग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से जा रहा हूं। नमस्कार।